सच साहस सरोकार। आज सहारनपुर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य, सर्किट हाउस में एमएलए और सांसद के साथ करेंगे संवाद। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इरफान सोलंकी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, आगजनी मामले में अगले महीने होगी सुनवाई। इरफान की जा सकती है विधानसभा की सदस्यता। लखनऊ में विनोद मिश्रा ने बढ़ाया देश का मान, दक्षिण कोरिया में हुए एशियन पैसिफिक खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। बुलंदशहर में 3 लोगों पर भरभराकर गिरी दीवार, दीवार के मलबे में दबने से 3 घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। वे पहले सरसावा हवाई पट्टी पहुंचेंगे, वहां से वे सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वे प्रेसवार्ता करेंगे। उप मुख्यमंत्री जनमंच सभागार में आयोजित महाराजा भागीरथ जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद सरसावा हवाई पट्टी से राजकीय वायुयान से लखनऊ भी जाएंगे। वहीं ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग भी की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार है और आज मामले में सुनवाई भी होगी और फैसला भी आएगा। वहीं अगली खबर महाराजगंज से है, जहां जेल में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी केस के मामले में अगले महीने कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही केस की सुनवाई करीब पूरी हो चुकी है, सिर्फ 4 गवाहों का बयान होना बाकी है। पुलिस अफसरों का दावा है कि 20 से 25 दिन में गवाही पूरी होने के बाद मामले पर फैसला आ जाएगा। तो आपको बता दें इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां आगजनी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाने की उम्मीद में है। आगजनी मामले में अगले महीने तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। वहीं संभल के विकास खंड पवासा की ग्राम पंचायत सहरिया अब्दाल नगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकारी राशन की दुकान का खुला प्रस्ताव हुआ, जिसमें 3 लोगों ने आवेदन किया। वहीं इस खुले प्रस्ताव में महरूम निशा को 288 मत प्राप्त हुए और उवैश को 2 मत प्राप्त हुए तथा रुखसार को 227 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें महरूम निशा ने 61 वोटों से विजय प्राप्त की। इस दौरान एडीओ पंचायत सचिव और पुलिस प्रशासन आदि लोग भी मौजूद रहे। प्रस्ताव हुआ था कोर्ट का, क्या 288 वोट मिले? 88 वोट मिले। कितने वोटों जीते आप? हम 61 वोटों से जीते। क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता का बहुत, जनता ने हमें हमारा बहुत साथ दिया है और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बैठक हुई आज, भारी मतों से हमें जिताया। आपको सस्ती दुकान, गल्ले की दुकान मिल जाएगी, तो जनता के लिए बीच में कैसे जाओगे? जनता के लिए प्रस्ताव अच्छा रहेगा। जनता के लिए क्या? जनता के लिए जैसे ईमानदारी से, ईमानदारी से ही गल्ला बैठेगा, किसी के साथ में भी प्रस्ताव हुआ है, क्या कहेंगे? आज ग्राम पंचायत सहरिया अब्दाल नगर में राशन मिलने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें 3 लोगों के द्वारा, 4 लोगों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। महरूल निशा, पत्नी तौकीर, एक स्वयं सहायता समूह आला हजरत, रुखसार रियासत और उमेश शौकीन जी,
इसमें समूह के द्वारा प्रस्ताव किया गया, इसका पहले भी एक बार प्रस्ताव हो चुका है तो वो अमान्य कर दिया गया था। जी जी, बाकी बच्चे व्यक्तिगत, तो इसमें तीनों कैंडिडेट के जो पक्ष में लोग बैठे थे। वहीं लखनऊ के रहने वाले विनोद मिश्र ने देश का मान बढ़ाया है। बता दें कि उन्होंने दक्षिण कोरिया में हुए एशियन पैसिफिक खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। दक्षिण कोरिया में 12 मई से 20 मई 2023 तक चलने वाले एशिया पैसिफिक मास्टर्स खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और पूरे देश का मान बढ़ाया है। वहीं जीत के बाद विनोद मिश्र लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके परिवार के साथ कई लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 सालों की ये मेहनत है जिससे हमने दक्षिण कोरिया में ये गोल्ड जीता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और देश का सम्मान बढ़ाने पर किसी को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। लखनऊ से हैं, यूपी से हैं, क्या कहेंगे यूपी के लोगों से? शायद यूपी से ये पहला गोल्ड मेडल है, बहुत कम शूटर है यूपी से लोग आए हैं, बट आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ था, उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद हमारे साथ था और हमने बहुत ही कठिन तरीके से इस पदक को प्राप्त करने में बड़ी मेहनत करी, क्योंकि हमारे साथ जो कंप्यूटर्स थे उसमें दो ऐसे कंप्यूटर्स थे जिनसे कि पार पाना बड़ा मुश्किल था। एक व्यक्ति था जो कि दो बार ओलंपिक खेल चुका था और एक प्लेयर ऐसा था जो कि कोरिया की टीम का मेन कोच था, वो भी हमारे साथ कम्पीट कर रहा था। वहीं बुलंदशहर में घर में मरम्मत का काम कर रहे युवकों के ऊपर अचानक भरभरा कर दीवार गिर गई। घर की दीवार के मलबे में तीन लोग दबने से घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक देख हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कोतवाली नगर के ऊपर कोर्ट के बहली मान मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। मामला ये था, बेलीमान के निवासी हैं, बेलीमान में घर में कुछ कर रहे थे टूट फूट, तो दीवार दोनों साइड की दीवार, एक 4 इंच की दीवार थी, एक 9 इंच की दीवार थी, वो गिर गई थी, जिसमें जो है तीन जने हैं, उनको छोटा ही एक छोटा बच्चा है, अरमान नाम है, एक सईद नाम है और एक वो है, उनके दोनों की गंभीर चोट है, उनको मेरठ के लिए रेफर करवा दिया है और मेरठ जा रहे हैं दोनों, एक थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। तो ये कहाँ गिरी है? ये बेलीमान ऊपर कोट। अभी कंडीशन क्या बता रही है? कंडीशन दो की सीरियस है, रेल की हड्डी में पीछे उसमें दिक्कत है, एक लड़के के और एक के छोटे बच्चे के पीछे दर्द हो रहा है कमर में, तो उसको भी मेरा ड्राइवर कर दिया गया है और एक सही जो वो यहीं पर ही है, उसको यहीं पे एडमिट कर लिया। वहीं अगली खबर हरदोई से है, जहां पाली इलाके में 4 युवक गर्रा नदी में नहाने के दौरान डूब गए। बता दें कि पाली थाना क्षेत्र के कछेलिया गांव निवासी रामचंद्र दुबे के यहां भागवत कथा शुरू होने वाली थी, जिसको लेकर आसपास ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कछेलिया से जल यात्रा बैजूपुर गाँव में गर्रा नदी से जल भरने के लिए निकली, जिसमें महिला पुरुष बच्चे समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। बताते चले कि ट्रैक्टर से उतर कर 4 युवक नदी में कूद और नहाने लगे। इस दौरान गहरे पानी में जाने का कारण वे डूबने लगे। युवकों को डूबता हुआ देख मौजूद लोग शोर मचाने लगे। वहीं खेत जा रहे बैजूपुर निवासी किसान युवकों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, जिसमें उन्होंने 2 लोगों को निकाल दिया और अन्य 2 लोगों को बचाने के लिए गोताखोर नदी में उतर गए, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पाली थाना क्षेत्र में कछेलिया गांव है, वहाँ के कुछ युवक बैजूपुर गांव में गर्रा नदी है वहाँ भागवत का जल लेने गए थे। वहाँ पानी में उतरने के बाद वो गहरे पानी में चले गए, जिसमें से 2 युवक डूब गए और अभी उनकी तलाश जारी है। गोताखोर और पुलिस की टीम लगी हुई है, तलाश जारी है, अभी शीघ्र ही तलाश करके जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्षराज जुड़ चुके हैं। तो हर्षराज, 4 लोग तालाब में डूब चुके हैं, वही 2 लोगों को बचाया जा चुका है, तो क्या जो 2 लोग बाकी बचे हैं उनका कुछ पता चल सका है? बताते चले कि पाली थाना क्षेत्र के कछलिया गांव निवासी रामचंद्र दुबे के यहाँ गुरुवार से भागवत कथा शुरू होने वाली थी, जिसको लेकर दोपहर 3 बजे के आसपास ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर कछलिया से जल यात्रा बैजूपुर गांव में गर्रा नदी से जल भरने के लिए निकली थी, जिसमें महिला पुरुष बच्चे समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। बताते हैं कि ट्रैक्टर से उतर कर 4 युवक
विश्वास कश्यप, शुभम कश्यप, सोहन अग्निहोत्री, गुरबक मिश्रा भागते हुए गर्रा नदी में कूद गए और नहाने लगे, जो गहरे पानी में चले गए, डूबने लगे। युवकों को डूबता हुआ देख मौजूद लोग शोर मचाने लगे। खेत जा रहे बैजूपुर निवासी किसान राम कुमार युवकों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, जिसमें उन्होंने गुरबक और सोहन अग्निहोत्री को गहरे पानी से निकाल लिया। जब तक राम कुमार दो अन्य विश्वास और शुभम को बचाने के लिए दौड़े, तब तक वो डूब चुके थे। दोनों युवकों को बचाने के लिए गोताखोरों ने नदी में उतारे गए, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। जैसा कि सुबह पाली येसो से बात हुई है, उन्होंने बताया अभी तक कोई जो दो बच्चे तलाश की जा रही थी अभी तक कोई मिल नहीं सके हैं। जी ठीक है, तो अभी तक प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रही है उन्हें ढूंढने के लिए? पुलिस की तरफ से गोताखोर लगाए गए हैं। एडिशनल एसपी दुर्गेश कुमार सिंह बराबर वहां पे मौके पे हैं और एसपी जो है राजेश द्विवेदी मौके पे ही मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद हर्षराज। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में कक्षा 7 की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल से घर लौट रही छात्रा को बीएसपी कार्यालय के पास से बाइक सवार अज्ञात युवक ने अपहरण कर लिया। उसने छात्रा को अगवा कर सहनपुर गांव के बाहर नवनिर्मित शमशान घाट में ले जाकर जबरन रेप किया। छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद आरोपी उसे हाईवे किनारे फेंक कर चला गया। सड़क किनारे बदहवास हालत में छात्रा को देखने के बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ एएसपी समर बहादुर ने घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने छात्रा को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं हरदोई में फसल कटने के बाद पराली में लगाई गई आग से मोहल्लेवासी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि शहर के आवास विकास में बने कृषि की पराली में आग लगाई गई। आग से उठने वाले धुएं से मोहल्लेवासियों को काफी परेशानी हो रही है। सांस और दमा के मरीजों को भी काफी समस्याएं देखने को मिली। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि फसल काटने के बाद पराली में आग लगा दी गई। आवास का निवासी हूं और आवास विकास से लगी हुई जो बाउंड्री वॉल है आर आर कॉलेज की, जो कि फार्म है, उसमें जो है पराली जलाई जा रही है, जिससे हम लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखें भी नहीं खुल रही, इतना जबरदस्त धुआं है और इवन सांस और खांसी जैसी समस्याएं हम लोगों को उससे जूझना पड़ रहा है, जो कि शहर के बीचों बीच है। और हम समस्त आवास विकासवासी इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे इस ओर कि इस तरह की घटनाओं को आगे जो है रोकने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा जीवन और सुरक्षित रह सके। हम समस्त आवास विकास के रहने वालों का जो है जीवन सुरक्षित रह सके। ये आवास विकास कॉलोनी के बिल्कुल पास में आर आर कॉलेज का कृषि फार्म है। इसमें फसल कटाई के बाद में जो बचा हुआ अवशेष है उसमें आग लगा दी गई है, जिससे पूरे आवासीय क्षेत्र में इसमें बहुत धुआं गहरा फैला हुआ है। लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम।